फ्रेंड्स, बॉलीवुड बस के साथ मैं कीर्ति एक बार फिर से हाजिर हूँ। सोनम कपूर, नेहा धूपिया और हिमेश रेशमिया की शादी के बाद एक और बॉलीवुड जोड़े की शादी की खबरें तेज हो रही हैं। इस बात से तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ दीपिका और रणवीर सिंह की। दीपिका की लेटेस्ट तस्वीर को देख करके हर किसी के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या शुरू हो गई है रणबीर दीपिका की शादी की तैयारियां। पिछले कुछ दिनों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि दीपिका और रणबीर इसी साल शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि रणबीर और दीपिका 18 से 20 नवंबर के बीच शादी करने वाले हैं। दीपिका को अपनी मां के साथ एक ज्वेलरी शोरूम के बाहर भी स्पॉट किया गया, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों शादी की शॉपिंग करने के लिए निकली हुई हैं। खैर, अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि दीपिका आखिर शोरूम में क्या करने गई थी। वैसे ये ज्वेलरी शोरूम तनिष्क का है, जिसकी दीपिका पादुकोण ब्रांड एम्बेसडर है और साथ ही विज्ञापनों में अपनी माँ के साथ भी नजर आती है। ऐसा भी हो सकता है कि दीपिका यहाँ पर किसी एड के सिलसिले में पहुंची हो, मगर इस बात की भी अभी कोई पुष्टि नहीं है। इस साल नवंबर तक दीपिका और रणवीर शादी के बंधन में बंध जाएंगे और कहा जा रहा है कि दोनों श्रीलंका या स्विट्जरलैंड में से कहीं एक जगह पर डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं। बता दें कि दीपिका और रणवीर सिंह की शादी की खबरें काफी तेजी पर हैं और कई बार दोनों को साथ में पार्टियों और हॉलीडेज को एंजॉय करते भी देखा जा चुका है। रणबीर और दीपिका फिल्मों में भी साथ नजर आ चुके हैं और इनका प्यार भी जग जाहिर है। इनके फैंस को बस इस बात का इंतजार है कि कब ये दोनों शादी कर एक दूसरे के हो जाएंगे। एंटरटेनमेंट से जुड़ी और भी अपडेट्स के साथ मैं हाजिर होती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।